आज मैं आपसे रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के शॉर्टकट डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर वन, द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ द रैंक ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स वॉज फाउंड टू बी 0.2. इट वॉज लेटर डिस्कवर दैट द डिफरेंस इन रैंक of the two subject obtained by one of the student was wrongly taken as 9 instead of 7. Find the correct value of coefficient of correlation. In this, what is given? And there are 10 students. And rank of this 10 student is 0.2. They have taken difference in rank as 9. इंस्टेड ऑफ 7, मतलब रॉन्ग वाला क्या था? डी रॉन्ग. व्हाट इज करेक्ट वन? डी करेक्ट. सॉल्यूशन आर एस इक्वल्स टू पूरी दुनिया इस सॉल्यूशन को ऐसे सॉल्व करती है, बट हमारी शॉर्टकट किससे आप इसको विद इन 15 सेकेंड आपको सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? आइए देखते हैं. आइए, रॉन्ग जो डेटा दिया होगा उसका स्क्वायर माइनस करेक्ट वाले का स्क्वायर, तो 81 माइनस 49 कम्स टू 32. फॉर्मूले के अंदर हमें मालूम है कि ये 6 अपॉन एन क्यूब माइनस एन तो हमेशा होता ही है रैंक होगा, इंटू 6 अपॉन एन क्यूब एज एन इज 10, एन हमारा 10 है तो ये हमारा 10 का क्यूब माइनस 10 तो ये होगा 990, तो 0.1939. ये जो आंसर होगा ओरिजिनल हम लोग आर जो दिया था उसके अंदर ऐड करने का तो आंसर बिकम 0.3939 रिकरिंग. विद इन 15 सेकेंड आंसर लेके आ सकते हैं. नहीं समझा? चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स वॉज फाउंड टू बी 0.5. इट वॉज लेटर डिस्कवर दैट द डिफरेंस इन रैंक इन द टू सब्जेक्ट्स ऑब्टेन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज रॉन्गली टेकन एज 3 इंस्टेड ऑफ 7. द करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज वॉट? In this data, it is given that n is equal to 10. What is r? 0.5, yes. He has taken difference of ranks. Kitna? He has taken, yes, 5, 3 instead of 7. The wrong was 3, correct was 7. Let's solve. पूरी दुनिया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एज सॉल्व करती है, बट वंस अगेन हमारे शॉर्टकट से हम इसको वापस चेक करेंगे कितने सेकंड में हमारा आंसर आता है. रॉन्ग वाले का स्क्वायर करेक्ट का स्क्वायर 949 माइनस 40 इंटू रैंक कोरिलेशन का भी मालूम है 6 अपॉन तो होता ही है, एन हमारा 10 है तो 10 क्यूब माइनस 10 इज 990. नियर अबाउ 2424. ये वैल्यू प्लस 0.5 कर देने का तो 0.2575 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 0.26. सर ये हमेशा प्लस करने का? यहां ये हमेशा प्लस करने का, यहां पे रॉन्ग वाला लिखने का, यहां पे करेक्ट वाला, रॉन्ग में से करेक्ट को माइनस करने का. रॉन्ग 3 था, करेक्ट 7 था. 9 माइनस 49, 49 माइनस 40 इंटू 6 अपना फॉर्मूले का है 990 आ गया. सॉल्व किया, प्लस जो भी होगा उसको हमेशा प्लस करने का, जो भी होगा उसको.
तो आंसर आपको इजीली मिल जाएगा. नहीं समझ में आया, चलो आपको एग्जांपल के लिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन अपने नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम इसको हमारे शॉर्टकट की से टैली कर लेंगे. आई होप आपका आंसर 0.2 आया रहेगा. अब हम हमारी शॉर्टकट की से सॉल्व करते हैं. देर आर सिक्स स्टूडेंट, R is equal to 0.4. He has taken 3 instead of 4. 3 ka square 9, 4 ka square 16. Difference kiya minus 7. Hamare formula ka into 6 upon n cube minus n means what? Minus 7 into 6 minus 42. N hamara 6 tha to 6 ka cube minus 6 210. Minus 42 upon 210 is 0.2. It is in negative, minus 0.2. Our R is what? 0.4. So minus 0.2 plus 0.4. Answer is what? 0.2. समझ में आया? नहीं समझा? चलो इसको solve करने दे. लिख के करते हैं. 3 का square minus 4 का square 9 minus 16 minus 7 formula का into 6 upon n cube minus n था. As n is 6, it is given. So minus 42 upon 210 5 minus 0.2. We have to add original R to find the correct one. The answer is 0.2. This is what the correct answer. समझ में आया? देखा दोस्तों, ऐसे कुल मिला के 180 shortcuts हमारे पास available है. जो derivatives के ऊपर, integration के ऊपर, standard deviation के ऊपर, measure of central tendency के कोई भी topic के ऊपर, sequence series के ऊपर, probability के ऊपर, theoretical distribution के ऊपर, ऐसे हर एक topic के ऊपर depend है. और ये सभी के सभी शॉर्टकट्स जो मुंबई के अंदर फर्स्ट टाइम सीए फाउंडेशन बैच के लिए स्पेशली कंडक्ट करने में जा रहा हूँ उसके अंदर आपको सिखाए जाएंगे. और ये क्रैश कोर्स की डिटेल है. ये क्रैश कोर्स 7 डेज का होगा जिसके अंदर फर्स्ट डे का फर्स्ट सेशन आप फ्री में अटेंड कर सकते हो. अगर बाद में उसको आपको पसंद आया तो आप रिमेनिंग डेज में आप इन्वेस्टमेंट करके आपका 1800 रुपीज़ आपका इन्वेस्टमेंट करके आप रिमेनिंग लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं. ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स आपको सीए फाउंडेशन के पॉजिटिव रिजल्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा. आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. तो ऐसे ज़्यादा वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून विद जीतू सर ऑन यूट्यूब. बाय.